गाइस करते हैं शुरू टेक स्टफ का एक और नया एपिसोड वीवो और ओप्पो के साथ। ओप्पो रेनो 7 सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स में और वीवो X80 सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स में हमें 4 नैनोमीटर प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं। अगले साल के पहले क्वार्टर में रेनो 7 सीरीज और वीवो X80 सीरीज के स्मार्टफोन्स हमें मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। स्पीकिंग ऑफ 4 नैनोमीटर प्रोसेसर्स, आज मीडियाटेक डायमेंसिटी 2000 प्रोसेसर की कुछ की स्पेसिफिकेशंस लीक हो गई हैं। अगर हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को लेके चलें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 2000 प्रोसेसर अपकमिंग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। काफी जल्दी इन दोनों प्रोसेसर बेस्ड बहुत सारे स्मार्टफोन्स हमें मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स 28th को लॉन्च होने वाले हैं और Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus इन दोनों स्मार्टफोन्स के मेमोरी वेरिएंट्स और कलर वेरिएंट्स को आज मैंने jingdong.com jd.com jaggadaku.com वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें 6GB 128GB 8128 और साथ में 256GB मेमोरी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। कलर्स की बात करें तो मिस्टीरियस ब्लैक, मिस्टी फॉरेस्ट और साथ में क्वाइट पर्पल कलर वेरिएंट्स में हमें ये दोनों स्मार्टफोन्स 28th को देखने को मिलने वाले हैं। Moto G51 5G अगले महीने लॉन्च होने वाला है और आज Moto G51 5G की कुछ की स्पेसिफिकेशंस लीक हो गई हैं। इस स्मार्टफोन में हमें एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 50 मेगापिक्सल्स का होगा मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, साथ में 2 मेगापिक्सल्स का हमें टर्शियरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। 13 मेगापिक्सल्स का होगा सेल्फी स्नैपर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 4GB रैम और एंड्रॉइड 11 हमें Moto G51 5G में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए एक नॉट सो गुड न्यूज निकल के आ रही है। बहुत जल्दी हमें Amazon प्राइम मेंबरशिप के लिए ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। एनुअल मेंबरशिप इसकी अब 1499 होने वाली है। इसके अलावा 459 आपको क्वार्टरली प्लान देखने को मिलेगा और मंथली प्लान की बात करें तो 129 से जंप करके इसकी प्राइसिंग हो गई है 179 रुपीज। काफी जल्दी Amazon प्राइम का ये नया प्राइस स्ट्रक्चर इंडिया में इंप्लीमेंट होने वाला है। एप्पल के Beats Fit Pro TWS रिपोर्टेडली नवंबर में हमें देखने को मिलने वाले हैं, फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पे Beats Fit Pro के कुछ लाइव शॉट्स लीक हो गए हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिस इज व्हाट द Beats Fit Pro TWS आर गोइंग टू लुक लाइक। अपडेट्स टाइम गाइस, OnePlus 8, OnePlus 8T स्मार्टफोन्स के लिए OnePlus ने ऑफिशियली एक नए अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया और इस अपडेट में हमें अक्टूबर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड स्पीकिंग ऑफ अक्टूबर सिक्योरिटी पैच, Samsung Galaxy Z Flip 3 यूजर्स के लिए भी अक्टूबर सिक्योरिटी पैच को अब Samsung ने रोल आउट करना शुरू कर दिया है। एंड स्पीकिंग ऑफ Samsung, One UI 4 Beta 3 अब लाइव हो गया। इसमें आपको काफी सारी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। एक रीडिजाइंड आपको वेदर ऐप देखने को मिलती है, एड्स को रिमूव कर दिया गया है और इंप्रूव्ड एनिमेशंस आपको इस लेटेस्ट बीटा में देखने को मिल जाती हैं। लॉन्चेस टाइम गाइस, Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro और Amazfit GTS 3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इन स्मार्ट वॉचेस में हमें कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, 24/7 SPO2 मॉनिटरिंग है, साथ में Alexa की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और इन तीनों स्मार्ट वॉचेस की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग, ये दिखती कैसी हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। Redmi Smart TV X2022 सीरीज ऑफ TVs अब चाइना में लॉन्च हो गई है। 120 हर्ट्ज की मिलती है इन TVs में हमें रिफ्रेश रेट और 55 इंचेस वाले वेरिएंट की प्राइसिंग है चाइना में युआन 2699, दैट इज 30,000 रुपीज के आसपास। इस टीवी सीरीज को अब चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। गेमिंग न्यूज टाइम गाइस, ब्लड रेन गेम लवर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ब्लड रेन रिवैम्प्ड और साथ में ब्लड रेन 2 रिवैम्प्ड, ये दोनों गेम्स हमें 18th अक्टूबर को ऑलमोस्ट सारे कंसोल्स में PS4, Xbox One और साथ में Nintendo Switch में देखने को मिलने वाली है। पोकेमोन गो हेलोवीन मिस्चीफ इवेंट का सेकेंड पार्ट कल से स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड पार्ट में भी आपको काफी सारे एस्थेटिक चेंजेस और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। गौर गाइस, फैंटम, पंपकाबू और साथ में ट्रेवरेंट जैसे कैरेक्टर्स को आप इवेंट 2 में कल से एंजॉय कर सकते हैं। गॉड ऑफ वॉर लवर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गॉड ऑफ वॉर 2018 हमें PC पे 14 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स देखने को मिलने वाली है। सर्टिफिकेशंस टाइम गाइस, Samsung से करते हैं आज की सर्टिफिकेशंस शुरू। Samsung Galaxy A03 आज Wi-Fi Alliance सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो गया है। Samsung का ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन काफी जल्दी अब लॉन्च होने वाला है। IQ9, IQ9 Pro दोनों ही स्मार्टफोन्स IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे आज मैंने स्पॉट कर लिए हैं। काफी जल्दी हमें IQ9 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी अब देखने को मिलने वाले हैं। Redmi Watch 2 Bluetooth SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आज सर्टिफाई हो गई है। चाइना में 28th को बट
ग्लोबल मार्केट में भी हमें काफी जल्दी Redmi Watch 2 अब देखने को मिलने वाली है। Redmi Note 11 सीरीज का एक ग्लोबल वेरिएंट आज मैंने IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया है। Realme 9i भी आज IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है। Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus ये चारों स्मार्टफोन्स के मॉनिकर सब कंफर्म हो चुके हैं। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Redmi ने आज एक और नए ट्रेडमार्क को फाइल किया है। इसका नाम है Redmi Flash Girl। अब ये क्या चीज है ये भी टाइम आने पे पता चलेगा, बट अभी के लिए इतना ही। हाई मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, बोलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद।